एम्बुलेंस रिस्टोरेशन। अंबापेट कहकर एक दूरवर्ती गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था। उसमें डॉक्टर कभी भी नहीं रहता था। कॉम्पाउंडर काशी आए मरीजों का इलाज करके बेचता था। उस अस्पताल के बगल में एक पुराना खराब हुआ एम्बुलेंस रहता था। वो 10 साल से काम नहीं कर रहा था। एक दिन प्रभु कहकर एक आदमी उनका गर्भिणी पत्नी को उस अस्पताल में लेकर आया। सर, मेरा पत्नी का पेट में बच्चा उल्टा हो गया, लग रहा है दर्द सह नहीं पा रही है सर, तुरंत डॉक्टर को बुलाइए सर। कहां से बुलाऊं? डॉक्टर तो शहर में एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है। वो महीने में एक ही बार दस्तखत करने के लिए इधर आता है, इसलिए इधर डॉक्टर और नर्स सब मैं ही हूँ। तुम्हारे पत्नी को तुरंत सर्जरी करना है, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तुरंत शहर लेके जाओ। फिर तो एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए सर। वो एम्बुलेंस तो 10 साल पहले खराब हो गया है भाई। उसका रिपेयर के लिए दिया हुआ सरकारी निधि भी ये डॉक्टर खा लिया है। केवल रिकॉर्ड के लिए वो काम करता है, रोड पर काम नहीं करता है। महीने में उसका पेट्रोल खर्चा भी दिखाकर पैसे खाता है। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और तुम्हारा बीवी को कैसे भी शहर लेके जाओ। तब प्रभु बहुत घबरा गया और उसका हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। वो एक ऑटो को रोका। देखो बाबू, मेरी बीवी को तुरंत शहर लेके जाना है। अच्छा, किराया मिला है, सोचकर ले जाता हूँ, लेकिन 5,000 होते हैं। क्या 5,000 रुपए? शहर तो 50 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा पूछ रहे हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इमरजेंसी है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है। पैसे नहीं है तो सरकारी बस में लेके जाओ, 50 जगह पर रोक कर शाम तक पहुँचाते हैं शहर, कहकर चला गया। प्रभु और कुछ नहीं कर पाया और लक्ष्मी को बस में चढ़ाया। और शहर में सरकारी अस्पताल में लेके गया। डॉक्टर उनका पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर, सॉरी मिस्टर प्रभु, माँ को बचा पाए लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। 1 घंटे पहले आते तो शायद बचा सकते थे। तब प्रभु बहुत रोया। कुछ दिनों के बाद प्रभु काशी से मिला। सर, मैं इस एम्बुलेंस को रिपेयर करता हूँ और चलाना चाहता हूँ, वो भी मेरे खुद के पैसों से। काशी हैरान होकर, क्या खुद के पैसों से? क्यों भाई, क्यों करना है इतना मेहनत? सरकार को जो नहीं है वो जिम्मेदारी तुम क्यों ले रहे हो? मेरा परिवार को जो नुकसान हुआ था, इस गांव में और किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। इसलिए मैंने अपना खेत को बेच दिया और इस एम्बुलेंस को रिपेयर करके इस गांव के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बहुत लोग तो उनका नुकसान हुआ तो दूसरों को भी नुकसान होना है कहकर चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे थोड़े ही लोग हैं जिसका नुकसान होता है वो दूसरों को नहीं होना है कहकर सोचते हैं। आपका अच्छाई के लिए मैं तो सलाम करता हूँ सर, कहकर उनको सैल्यूट किया। तब प्रभु उस एम्बुलेंस को लेकर रिस्टोरेशन करना शुरू किया। 2 मैकेनिक बहुत दिन मेहनत करके उस एम्बुलेंस को अच्छे से रिस्टोर किए थे। उस दिन से प्रभु उस गांव में जो भी बीमार होते थे उनको एम्बुलेंस में चढ़ाकर शहर में ले जाने लगा। ऐसे रात और दिन का भेद छोड़कर बहुत मेहनत करने लगा, बहुत लोगों का जाने बचाया था। ये बात सब न्यूज़पेपर में छापा। उसे वो जिले का कलेक्टर ने देखा। वो तुरंत उस सरकारी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। प्रभु को 10 लाख रिवार्ड देकर आदर भी किया। लक्ष्मी और काशी बहुत खुश हो गए थे। उस अस्पताल को एक नया अच्छा डॉक्टर आया था। एम्बुलेंस के लिए एक ड्राइवर को भी रखे थे। लोग बहुत खुश हो गए। गरीब की बैंबू साइकिल। गद्वाल नाम के गांव में श्रीधर और भव्या नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका बेटा था कुबेर। वो उसे बड़े लाड़ और प्यार से पालते थे। माँ तो उसे और ज्यादा प्यार से पालती थी। एक दिन कुबेर, मम्मी मुझे नई साइकिल चाहिए, स्कूल में सारे दोस्त साइकिल चलाते हैं। इतना ही नहीं मम्मी, मुझे सब चिढ़ाते रहते कि तुझे साइकिल चलाना नहीं आता।
मेरे चांद का टुकड़ा कुबेर बेटा, अभी तो तुम सिर्फ 10 साल के हो, 5 साल रुको, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एकदम फॉरेन साइकिल लाके देंगे। तब तक कहीं जाना हो तो तुम अपने कार में जा सकते हो ना बेटा। एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हारे बेटे की शादी हो जाने दो, उसके बाद वो साइकिल चलाना सीख लेगा, तब और भी अच्छा रहेगा। क्यों, अरे तुम्हारी लाड़ की तो हद हो गई। अच्छा तो ये सब तुम्हारा प्लानिंग है, तभी मैं सोचूं मेरा भोला बेटा अचानक साइकिल की फरमाइश क्यों कर रहा है। हाँ हाँ सोच लो, तुम अपने बेटे के बारे में सिर्फ आधा जानती हो, उसमें कितनी अकड़ है वो तो तुम स्कूल के प्रिंसिपल से पूछो, वो बताएंगे। देखो भविया, हर चीज की एक हद होती है, तुम बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करोगी तो वो बिगड़ जाएगा, सोच लो। अगले दिन भविया ने अपने बेटे के लिए एक नई साइकिल खरीद कर दी। वो धीरे धीरे चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था और वो उसके पीछे पीछे भागती थी। यूं वे दोनों एक गरीब कॉलोनी में पहुंचे। वहां कुछ बच्चे साइकिल के पुराने टायर के साथ खेल रहे थे। ये देखकर कुबेर उनका मजाक उड़ाते हुए, क्यों भाई तुम्हारा साइकिल तो बहुत बढ़िया है, इस पर कितने लोग बैठते हो। ये बात सुनकर राठौड़ नाम के एक गरीब लड़के को बहुत गुस्सा आया। देखो कुबेर, तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो ना, तो वही सीखो, उसी पर ध्यान दो, अगर तुमको चौर देखने लगे तो दुर्घटना होगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, ध्यान से, वरना हमारे टायरों को तुमको क्या काम। ये सुनकर भविया को बहुत गुस्सा आया। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे के हाथ पैर टूटने की बात करते हो। अरे तुम जैसे गरीब बच्चों को मेरे धनवान बेटों को देखकर जलन होती है, उसकी साइकिल को देखकर और जलते हो तुम लोग। ये सब बातें राठौड़ के मामा सुभाष ने सुना। अरे मैडम, ये सब बच्चों की लड़ाई झगड़े होते हैं, आप इसमें क्यों पढ़ते हैं, आप इस बात को ना बढ़ाएं। क्या ये बच्चों की लड़ाई है, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं इस बात का पतंगड़ बना रही हूँ। अरे और नहीं तो क्या, तुम जैसे गरीब बच्चों को साइकिल खरीद कर तो दे नहीं सकते, उन्हें टायर के साथ खेलने कहते हो, हम जैसे धनवान साइकिल खरीद कर देते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, लड़ाई मोल लेते हो हमारे साथ। देखिए मैडम, जुबान संभाल कर बोलिए, हम आपके साथ लड़ाई नहीं कर रहे, आप ही हमारे साथ लड़ाई छेड़ रही हैं। हमारे पास जो है उसी में हम अपने बाल बच्चों के साथ खुश हैं मैडम, हमने तो आपसे कभी आकर नहीं मांगा। अरे आकर मांगोगे भी तो कौन देने वाला है तुम्हें, बातें खूब बनाते हो, चलो बेटा कुबेर हम चलते हैं। कहकर वे दोनों वहां से चले गए। तब वहां के गरीबों को बहुत गुस्सा आया। देखो मामा जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या करोगे, मुझे एक साइकिल चाहिए तुरंत। अरे ये क्या बेटा, तुम हमारी हालत जानते हुए भी साइकिल की फरमाइश करते हो। अरे साइकिल खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते हैं बेटा, साइकिल बहुत महंगी होती है। देखो मामा जी, उस कबीर ने हमारा कितना अपमान किया, तुमने भी तो देखा ना, मुझे तो साइकिल चाहिए बस, नई हो या पुरानी कोई बात नहीं, नहीं खरीद कर दिया तो मेरे साथ तुम्हारी दोस्ती बंद, कहकर चेतावनी देकर चला गया। तब सुभाष ने खूब मेहनत की और एक बैम्बू साइकिल तैयार किया, उस साइकिल के बड़े टायर्स लगाए और बैटरी भी फिक्स किया। फिर वो साइकिल लाकर राठौड़ को दिया। राठौड़ खुश होकर उस साइकिल को चलाते हुए सारा गांव घूमने लगा। सब गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे। राठौड़ सुभाष से, अरे मामा तुमने तो चमत्कार कर दिया, मैंने तो साधारण साइकिल की फरमाइश की थी और तुमने तो बैटरी वाला बाम्बू साइकिल दिया है, मैं जब इसे चलाता हूँ तो गांव वालों का मुंह खुले के खुले रहते हैं, मुझे ये साइकिल बहुत पसंद है मामा जी, और जो कुबे के पास साइकिल है वो तो सबके पास होता है मामा जी, लेकिन ये बाम्बू साइकिल सिर्फ मेरे पास है। इतने में कुबेर और भविया वहाँ पहुँचे। अरे यार राठौड़, तुम्हारा ये बाम्बू साइकिल तो बहुत बढ़िया है यार, भाई कमाल का है ये, क्या हम अपना साइकिल अदला बदली कर सकते हैं प्लीज, ये लो यार मेरा साइकिल रख लो तुम, अपना साइकिल मुझे दे दो। अरे बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, हमारी साइकिल बहुत महंगी है और ये तो खटारा है, हमें नहीं चाहिए, अरे वैसे ही टूट जाएगी ये। तुम
चुप रहो माँ, तुम कुछ नहीं जानती। अरे उस साइकिल को देखो कितना बढ़िया है। अरे उसके सामने मेरी साइकिल एकदम बेकार है यार। कम से कम तुम्हारे साइकिल में एक चक्कर तो मारने दो ना मुझे यार, प्लीज दे दो ना। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ले ना यार। तब कुबेर ने खुश होकर साइकिल चलाया। तब सुभाष भविया से, देखा मैडम बच्चे कितने जल्दी घुल मिल जाते हैं। अरे उनकी लड़ाई तो बस थोड़ी देर के लिए होती है मैडम, लेकिन जो बातें हम उन्हें सिखाते हैं वो जिंदगी भर याद रखते हैं मैडम। आप चिंता ना करें, मैं कुबेर के लिए भी एक बैम्बू साइकिल बनाकर दूंगा। ठीक है मैडम। बहुत बहुत थैंक्स भैया। तब सुभाष ने कुबेर के लिए भी एक बैम्बू साइकिल बनाकर दिया। तब से कुबेर और राठौड़ बैम्बू साइकिल में घूमते हुए खुशी खुशी खेलने लगे।